मुझे तो कोर्स काफ़ी अच्छा लगता है, और मैं मुझसे जो भी पूछता है तो मैं बोलता हूँ खान सर का ले लो, इंग्लिश मीडियम से भी है, हिंदी मीडियम से भी है, अपना कोचिंग जाना नहीं है, टाइम भी बचेगा, बाकी भी चीज़ों से आप बचोगे, अपना ऑनलाइन पढ़ो, नोट्स बनाओ, मेहनत करो, उस पर आपका सिलेक्शन होना। वेलकम टू UPSC लाइव 23 गाइस। आज हमारे मुखर्जी नगर में, तो आज एक हमारे साथ में स्टूडेंट है जो मुंबई से चल कर आए हैं यहाँ पे तैयारी करते हैं, और यहाँ जो तैयारी करते हैं इनके साथ समस्या क्या है, और मुखर्जी नगर आना क्यों आना, और UPSC की तैयारी करते हैं यानी IPS बनना चाहते हैं, जो इनका ड्रीम जॉब है वो IPS है, तो इनसे पूरी कहानी जानेंगे कैसे किस तरीके से आए हैं। तो थैंक यू हमारे चैनल पर आने के लिए। तो थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम संदीप यादव है, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से अपना BSc मैथ्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ये मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है। और आपने मतलब तैयारी कैसे सोची मुखर्जी नगर आना, और आपने किस तरीके से सोचा कि मुझे मुखर्जी नगर जाना है और तैयारी करना है? मैं 12th, मतलब जब 12th में था, 12th का एग्ज़ाम दे रहा था, तो मुझे मुखर्जी नगर के बारे में पता चला, यहाँ पे IAS IPS की तैयारी वगैरह होता है, तो इसके लिए मैं उस समय फिर यूट्यूब वगैरह पे देख रहा था मुखर्जी नगर, जैसे आपका वीडियोस हो गया सी, वैसे उस सबका वीडियोस देखता था, तो मुखर्जी नगर के बारे में पता चला, तो फिर मैं सोचा कि मुखर्जी नगर जाके हम IAS की तैयारी करेंगे, IPS की। तो फिर अपना मुझे अभी 1 साल हो रहा है दिल्ली आए हुए, तो तैयारी चालू है अभी। अच्छा, तो ये आपने मतलब कोचिंग कहीं से ली, या फिर कैसे आप तैयारी, सेल्फ स्टडी करते हैं, किस तरीके से आप तैयारी करते हैं? नहीं, मेरा तो अभी फ़िलहाल सेल्फ स्टडी है, और मैंने ऑनलाइन कोचिंग ले रखा है खान सर का, ऑनलाइन कोचिंग ले रखा है, उनका कोचिंग चलता है, ऑनलाइन अटेंड करता हूँ, बाकी सेल्फ स्टडी अपना चलता है, बाकी जो मटेरियल वगैरह है उससे चलता है सब कुछ। ओके, तो हाँ आपने तो बताया कि मतलब मुखर्जी नगर आना, तो आप इस तरीके से आए, तो आपकी बुक लिस्ट आप किस तरीके से फॉलो करते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बुक लिस्ट तो मेरी ऐसा, मतलब UPSC एक ऐसा समुंदर है, तो मुझे कैसा समुंदर में घुसना है, बट ऐसा नहीं कि पूरे समुंदर में ही घुस जाऊँ, मैं कुछ उसमें क्वांटिटी के हिसाब से पढ़ रहा हूँ, तो मैंने NCERT पढ़ा है 6 to 12 तक की, उसके बाद चार चार बुक हैं सार में है, पॉइंट वाइज दी हुई है, उसको मैंने पढ़ा, वो भी NCERT की हुई रखी हुई है, फिर उसके बाद मैंने खान सर का ऑनलाइन क्लास लिया हूँ, सिर्फ अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ अपना, ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ और उसका नोट्स बना रहा हूँ, एक सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं स्टैंडर्ड बुक लूँगा, जैसे कि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत होती है, महेश बनवाल जी की होती है, मुकेश कुमार जी की होती है, वैसी सारी बुक पढ़ूंगा बस, बाकी यही मेरी बुक लिस्ट है, और ज़्यादा कुछ नहीं है कि टेलीग्राम पे ये मटेरियल पढ़ूँ, यूट्यूब पे ये कोचिंग ज्वाइन करूँ या वो कोचिंग ज्वाइन करूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं, तो बस नॉर्मल सा है। मुखर्जी नगर में मतलब यहाँ पे PG की समस्या क्या है और रहने की समस्या क्या है, किस तरीके से मुखर्जी नगर में स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, जो आप अभी मतलब देखते हैं हालात को? नहीं, मतलब प्रॉब्लम्स तो हैं ही, अब घर से बाहर रहोगे तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, बट एक जुनून है कि कुछ करना है लाइफ में, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी, बाकी तो सब ठीक ही है, मतलब PG मिल जाता है, कोई किसी यूट्यूब से कांटेक्ट किया है तो PG मिल जाएगा, रहना खाना सब कुछ इंक्लूड रहता है उसमें, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क है और कुछ नहीं। तो ये यहाँ पे रहना जो है मतलब यहाँ पे सरवाइव करना, कितने खर्चे आ जाते हैं, जो मतलब जो नए स्टूडेंट आएंगे अगर, तो आपके हिसाब से वो कितने खर्चे में मतलब उनका सरवाइव पूरा मतलब मंथली सरवाइव कर लेंगे वो? मतलब अब सबके ऊपर डिपेंड करता है कि फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, अब किसी के पापा मम्मी हैं तो गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो अब उनके लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं, तो 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार मंथली जाता है, कितने, जैसे हम जैसे लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली से, UP-BR से हैं, तो हम लोग का कैसा है, मंथली अगर 8 से 9 हज़ार रुपया आए तो हम लोग मिनिमम उतने में खर्च हम लोग का निकल जाता है, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मिडिल क्लास फैमिली से आया बंदा, तो 10 हज़ार तक मान लो। मैक्सिमम 10 हज़ार मान लो, अगर वो चले तो मैक्सिमम 10 हज़ार ठीक है, और मिनिमम मतलब 7 से 10 हज़ार मान लो, उतना है खर्च यहाँ पे। तो जो मुखर्जी नगर की गलियां हैं, जब शाम में आप बत्रा सिनेमा जाते हैं तो जो चक्का चौंध है उसमें बच्चे फंस जाते हैं, तो किस तरीके से मतलब अपने आप को रोक के और UPSC की तैयारी में मतलब लगन से डटे रहें? मतलब चकाचौंध तो है ही यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में, अब बच्चे कहाँ कौन, हम पूरे मतलब भारत के हर एक राज्य से, हर एक कोने कोने, हर एक शहर, एक गलियों से आते हैं बच्चे यहाँ मुखर्जी नगर तैयारी करने, IAS IPS बनने, लेकिन यहाँ से मात्र कुछ बच्चे ही बन के निकलते हैं, बाकी सब रह जाते हैं, अब यहाँ पे ये यह है कि पढ़ने को तो पढ़ने को सब पढ़ते हैं, लेकिन एक होता है कि थोड़ा बहुत चकाचौंध में फंस जाते हैं, इधर उधर की बातों में रह जाते हैं, मतलब संगत की असर पड़ जाती है फ्यूचर को, मतलब एक और
डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको करना क्या है, फंस जाते आके एंजॉय करने में रह जाते। कुछ बच्चे हैं जो कि 10-12 घंटे लाइब्रेरी में, घर में, अपने रूम में दे रहे हैं सेल्फ स्टडी, मतलब कोचिंग से घर पे, कोचिंग से घर पे कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है, बाकी तो सब टाइम पास कर रहे हैं फिलहाल। जैसे आपने बताया कि अभी जो है मैं मतलब खान सर से पढ़ रहा हूँ, जो खान स्टडी, जिसमें मणिकांत सर, राजेश मिश्रा सर, मतलब काफी रेनोन टीचर है, तो क्या दृष्टि यहाँ पे आप रह के कर रहे हैं कि दृष्टि में पढ़ना संस्कृत में, बहुत सारी कोचिंग है, तो क्या उससे आपको बेनिफिट लग रहा है, जो आपके स्टूडेंट होंगे, आपके दोस्त भी होंगे जो साथ में, तो क्या वो कोर्स वो मैच करा पा रहे हैं या फिर सिमिलर है या फिर उनसे अलग है? यूपीएससी मतलब यूपीएससी क्या है कि एक जो बच्चा बिहार से खेतों में अपने रूम में रह के भी वो विदाउट कोचिंग लिए, विदाउट ऑनलाइन क्लास लिए भी यूपीएससी क्लियर कर रहा है, तो यूपीएससी ये नहीं मांगती कि आप दृष्टि में पढ़ो, संस्कृति में पढ़ो, 2-2.5 लाख रुपये तब भर के तभी आपका क्लियर होगा आईएएस आईपीएस, ऐसा नहीं है। अब खान सर जो हैं, दृष्टि के भी सर रखे मणिकांत सर, संस्कृति के राजेश मिश्रा सर हैं, टॉप क्लास के सर रखे हैं, कम पैसों में आपको एक साल की तैयारी करवा रहे हैं, और अगर स्टूडेंट के अंदर एक टैलेंट है कि हाँ मैं चीज़ों को पढ़ के समझ के नोट्स बना के क्लियर कर सकता हूँ एग्ज़ाम, तो कर सकता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि क्लास दृष्टि जो ही नहीं करे। तो कितना बेनिफिशियल आपको लगता है, क्योंकि आपने कोर्स बताया कि कोर्स जो है 7500 में ही है, यानी 7500 में, तो क्या आपको कोर्स बेनिफिशियल लगता है? हाँ, मुझे तो कोर्स काफ़ी अच्छा लगता है, और मैं मुझसे जो भी पूछता है तो मैं बोलता हूँ खान सर का ले लो, इंग्लिश मीडियम से भी है, हिंदी मीडियम से भी है, अपना कोचिंग जाना नहीं है, टाइम भी बचेगा, बाकी भी चीज़ों से आप बचोगे, अपना ऑनलाइन पढ़ो, नोट्स बनाओ, मेहनत करो उस पर, आपका सिलेक्शन होना है ही पक्का। तो अभी जो ऑफलाइन में भी मैंने एक वीडियो देख के कि सर का मैंने एक वीडियो देखा था खान ग्लोबल स्टडीज पे, वहाँ पे सर ने बताया कि मतलब हम मुखर्जी नगर से लेके करोल बाग हर जगह ऑफलाइन आ रहे हैं। अच्छा, तो जो हमारी फीस होगी लोगों से 3 गुना कम होगी, तो क्या ऑफलाइन में मतलब वो रेगुलेशन ला सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स ऑफलाइन में ला सकते हैं, जैसे कि खान सर मतलब एक गरीबों के लिए मसीहा बन के आए हैं आगे, क्योंकि दृष्टि जैसे और संस्कृति जैसे और भी कोचिंग्स हैं, मतलब उनके 1 लाख रुपए के ऊपर ही फीस है, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करने आए हो तो मिनिमम 1 लाख रुपए मान के चलो, और खान सर एक ऐसे आए कि आपको 8,000-10,000 में तैयारी करवा रहे हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन भी होगा तो कितना होगा, 30% ऐड कर लो, 30,000 या 40,000 होगा मैक्सिमम, तो एक हिसाब से खान सर का काफ़ी अच्छा मतलब इस समय स्कीम आया है और काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए। तो यानी खान सर जो है कंट्रीब्यूट मतलब कर रहे हैं, जो आप उन्होंने बोला था कि हर घर में शिक्षा होगी, तो वो आपको लगता है कि खान सर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं काफ़ी? हाँ, ये मुझे लग रहा है कि खान सर सबको मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को, कि जो बच्चा फीस नहीं भर सकता 1 लाख रुपए बिहार यूपी से, और भी कहीं बहुत से गरीब हैं इस देश में, आईएएस की तैयारी करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, 1 लाख रुपए 1.5 लाख की मैं कोचिंग में फीस भरूँ तैयारी करूँ, लेकिन खान सर ऐसा ऐप लाए हैं, ऐसा जरिया लाए हैं कि बच्चा कोई भी अपना 7,000 से 10,000-8,000 भर के वो तैयारी कर सकता है और आईएएस बन सकता है। तो जो मुखर्जी नगर में मतलब खाना एक होता ना कि खाने की बहुत बड़ी समस्या होती है, तो क्या यहाँ पे आपको घर जैसा खाना मिलता है या कुछ से कुछ क्या उससे अलग कुछ? अब घर जैसा खाना तो ये आप भी जानते हो कि घर से जो बाहर है, मम्मी के हाथ में जो टेस्ट है वो बाकी कहाँ टेस्ट होने वाला है, अब घर का कुछ अलग क्वांटिटी में टेस्ट बनता है, और यहाँ का मतलब घर से बाहर में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बस ये है कि अब कुछ फ्यूचर में करना है तो अब खाना देखेंगे कि आगे का देखना है, लाइफ सेट हो जाएगी तो खाना बहुत अच्छा मिलेंगे। जब खाना आप खाते होंगे तो घर की तो याद जरूर आती होगी कि मतलब मैं स्टार्टिंग में आया था जब, तो 1-2 महीने में सच बताऊं कसम से, मैं जब खाना खाता था, रोटी खाता था, जली हुई रोटी रहती थी, 1-2 पीजी में था, इस पीजी में आया तो काफ़ी अच्छा पीजी है, 1-2 पीजी में था, खाना खाता था तो टेस्ट ही नहीं आता, मन करता था भाग जाऊं, छोड़ छाड़ दूं आईएएस आईपीएस, घर से तैयारी करूं, लेकिन फिर लगा कि चलो धीरे धीरे इतने बच्चे हैं सब हैं ही कैसे भी मन लगा के, तो हम भी धीरे धीरे माहौल में ढल गए, अब खाना पीना वही है, ठीक ठाक लगता है। आपको मतलब फैमिली सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए और आपके लिए, किस तरीके से मोटिवेट करते हैं आपके गार्जियंस और आप किस तरीके से उसको मतलब उस पर खड़े उतरते हैं? नहीं, फैमिली सपोर्ट तो होना एक स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़रूरी है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर फैमिली सपोर्ट स्टूडेंट के ऊपर नहीं हो रहा है तो प्रेशर में रहेगा, और प्रेशर में रहेगा तो पढ़ाई नहीं होगी उसकी, टेंशन में पढ़ाई नहीं होती है। मैं उस चीज़ों से गुजर चुका हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी कि मैं पढ़ाई में डिस्टर्ब हुआ मेरा 1 साल, बट ठीक है, फिर भी मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, बोला बेटा तू पढ़, मैं हूँ, मेरे पापा हैं, भैया हैं, मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं तुम पढ़ो, तुमको कुछ नहीं करना है, और मैं अपना यही मन लगा के दिल्ली में हूँ, मुझे तो कुछ टाइम भी दे दिए कि बेटा तुमको इतना टाइम है, अपना पढ़ो आराम से, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाई कर रहा हूँ फिर। ओके, एक होता है ना जैसे वो आप मुखर्जी नगर में जब बत्रा सिनेमा के पास बैठते हैं तो एक पेयर ग्रुप जो बकैती करता है,
तो वो पेयर ग्रुप क्या मतलब बेनिफिशियल रहता है कि जिस तरीके से यूपीएससी की चर्चा होती है, कि सीनियर की चर्चा होती है कि यहाँ से पढ़ो वहाँ से पढ़ो, तो उसमें बच्चे भटक जाते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है वो? आपने आपने भी सुना होगा। नहीं, वो स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए कि हम किसकी बात सुन रहे किसकी नहीं सुन रहे। सुननी तो सबकी चाहिए बात, लेकिन जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है कान में रखो, जो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है दूसरे कान से निकाल दो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सीनियर का सुन रहे हो, सीनियर ने बोला जियोग्राफी ऑप्शनल नहीं लेना है, हिंदी साहित्य लेना है, तो आप उसमें कन्फ्यूज़ होके फंस जाते हो। लेकिन वो आपको डिसाइड करना है कि करना क्या। अब जैसे कि मेरा ऑप्शनल जियोग्राफी है, मुझे, मैं हर एक कोचिंग में गया, टॉप क्लास के सर टीचर्स ने बोला कि तुम्हारा जियोग्राफी में सिलेक्शन नहीं होगा, तुम हिंदी साहित्य ले लो या हिस्ट्री ले लो। बट मैं भी अभी भी मैं जियोग्राफी में टिका हूँ। क्यों टिका हूँ? मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं जियोग्राफी में कर सकता हूँ, इसके लिए जियोग्राफी में लगाऊँ। तो यही मैं बोलना चाहूँगा स्टूडेंट को कि मतलब सुनो सबकी और करो अपने मन की, और जो चीज़ अच्छी लगी वो रखो, जो चीज़ अच्छी नहीं लगी निकाल दो। हाँ, तो आपका मतलब जो इंटरेस्ट है वही उसी के हिसाब से चले, आपका कहना है कि हाँ ना कि आपको मतलब हाँ यहाँ चले वहाँ जाए जी वहाँ जाए, मतलब भटकाव ना हो एक तरीके से। जी मतलब स्टूडेंट के अंदर जो एक इंटरेस्ट होता है ना, उस पर वो अपना चलते रहे, दूसरों का ना सुने कि मुझे वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। हम आपको लग रहा है कि आप 6 घंटे भी पढ़ के अगर सिलेक्शन ले सकते हो, 6 घंटे भी पढ़ के आप ले सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 18 घंटे पढ़ो, समुंदर को पूरा पी जाओ। आप उसमें से एक नदी बना के भी पी सकते हो और सिलेक्शन ले सकते तो ये हिंदी मीडियम का एक बहुत बड़ा वो रहा मिथ रहा है कि सिलेक्शन नहीं होते हैं, इस बार तो काफ़ी हो। रिकॉर्ड तोड़े हैं, मतलब 54 से प्लस भी सिलेक्शन हुई है, तो क्या आप किस तरीके से देखते हैं हिंदी मीडियम को? नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि अब इंग्लिश मीडियम का ही छात्र यूपीएससी में सेलेक्ट होगा तो वही जिला चलाएगा, ऐसा नहीं। हिंदी मीडियम के भी छात्र जिला चला सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार भी मैंने चेक किया कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा है हिंदी मीडियम के। बस एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अंदर, और हिंदी मीडियम के सिलेक्शन तो इस बार 54 हुए, तो अगली बार नेक्स्ट ईयर हो सके 100 हो सके, ऐसे धीरे धीरे बदल सकते हैं। बट ये है कि इंग्लिश मीडियम के बतौर हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम है। एक जो आपकी हॉबी है एक आईपीएस है, तो आपने किस तरीके से मतलब आपने क्यों आईपीएस ही पसंद किया, और किससे आप मोटिवेट हैं कि मुझे आईपीएस ही बनना है, मुझे एसपी ही बनना है? नहीं मतलब मैं काफ़ी मतलब मैं रहा हूँ मुंबई में, बचपन से पढ़ाई लिखाई किया, सब कुछ किया मुंबई में किया। मुंबई में आप जानते होगे अच्छे से, आप ही नहीं सब लोग जानते कि मुंबई में बाइगरी चलती है। अब उस एरिया से मैं रह के आया हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे लफड़ा होता था, कुछ भी होता था, तो घर के पेरेंट्स बोलते थे कि बेटा तुम घर में चलो, पुलिस आएगी तुमसे पूछताछ करेगी। मतलब एक जो पुलिस का और एक पब्लिक का डर है, वो डर को हटाना है मुझे, कि कुछ भी लफड़ा हुआ कांड हुआ तो पुलिस के सामने बिना डरे आप बोलो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो करप्ट ऑफिसर्स हैं ऑन ड्यूटी पे पी कर जॉब करते हैं, वो चीज़ों को चेंज करना है। तो यही सब धीरे धीरे माइंड में आई, और एक आईपीएस का पद अपने आप में काफ़ी अच्छा होता है, तो ये सब सोच के मैं सोचा कि एक फील्ड में रह के आईपीएस की पोस्ट लेनी है, और इसमें जो भी चीज़ें हैं गलत मेरे नज़रों में उसको चेंज करनी है, बस और कुछ नहीं। तो आप जो आपके मतलब कौन से आईपीएस से आप मोटिवेट हुए कि आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दिए, या फिर कहाँ का मोटिवेशन आपका था? मैं किसी आईपीएस ऑफिसर से मोटिवेट नहीं हुआ, मैं जो भी हूँ खुद से होता हूँ। मैं वही चीज़ें बताया आपको कि मैंने अपने आँखों से देखा हूँ कि करप्ट ऑफिसर्स को पीते हुए जॉब करते हुए देखा हूँ, पी ऑन ड्यूटी पे पिए हुए हैं और जॉब कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि पीने के बाद ऑन ड्यूटी पे इंसान ऑफिसर्स कैसा जॉब करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने आपको बताया कि जो पब्लिक और पुलिस की नज़र में एक डर सा महसूस है, वो डर को हटाना है। तो ये सब चीज़ों को मैं देखते हुए आईपीएस की तैयारी करना स्टार्ट किया, और किसी को मेरा ये नहीं है कि ये एम है, इनको देख के मैं तैयारी स्टार्ट किया। ओके, तो जो समस्या लगती है मेन मुखर्जी नगर में स्टूडेंट को आना रहना किस तरीके से आप लगते हैं? समस्या मुखर्जी नगर में रहना है तो कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब स्टार्टिंग के आप अगर आए हो कहीं बाहर किसी राज्य या शहर से, किसी भी जगह से आप आए हो, तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने आपको तो प्रॉब्लम फेस उठाना पड़ेगा। मैं भी आया था तो मुझे 1-2 महीने बहुत दिक्कत हुई थी, पीजी कौन सा लूँ, कौन सा कोचिंग लूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं, बहुत से भटकाव हैं। अगर आप अपने माइंड से नहीं आओगे, माइंड सेट करके नहीं आओगे, तो आपको कहीं भी कोचिंग में ले जाएंगे 2-2.5 लाख रुपये भरवा देंगे, कहीं भी पीजी में जाओगे फंस जाओगे 10-12 हज़ार के पीजी में। तो स्टार्टिंग में आओगे तो आपको माइंड सेट करके आना है कि मुझे कैसे चलना है, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में 1-2 महीने प्रॉब्लम्स होगी, बाद में धीरे धीरे आप इस माहौल में रहोगे तो सब कुछ जान जाओगे, और कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट मैसेज आपका क्या होगा स्टूडेंट के लिए, जो यूपीएससी की तैयारी करेंगे, किस तरीके से मतलब आपका क्या मैसेज रहेगा? तैयारी क्या मतलब लगे रहो, और क्या मतलब ऐसा नहीं कि मतलब नहीं क्लियर हो रहा है तो भी लगे रहो, मतलब एक चीज़ें हैं कि अपना एक टाइम बना लो कि मुझे
6 घंटे पढ़ने, ज़रूरी नहीं है कि 10 घंटे पढ़ो। मुझे आपको पता है कि ऑनलाइन क्लास छोड़ के, ऑफलाइन क्लास छोड़ के मुझे 4 घंटे भी पढ़ के मैं यूपीएससी क्लियर कर सकता। तो आप लगे रहो और मेहनत करो, दुनिया क्या बोल रही है, कौन क्या बोल रहा है, वो सब भूल जाओ, अपनी मेहनत पे लगे रहो, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। मानता हूँ कि 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, बट 10 लाख में 10 लाख तैयारी नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, 10 लाख बैठ नहीं रहे एग्ज़ाम में। इस बार मैंने, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था प्रेगा, मैंने एग्ज़ाम दिया, जिस क्लासरूम में मैं बैठा था मेरे आगे के 3 बच्चे और मेरे पीछे के 4 बच्चे बैठे ही नहीं थे, तो 7 सीटें तो ऐसे ही हट गई, कम्पीट हट गया हमारा। तो चीज़ों को ये देखना है कि 10 लाख बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे हैं, 1100 सीट निकाली है यूपीएससी ने, तो उसमें से मात्र मेंस में 15,000 बैठते हैं, तो 15,000 से हमको कम्पीट करना है बस, और कुछ नहीं, लगे रहो, कुछ नहीं। ओके ओके सर, थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए, और मैं यही चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, आप अपने घर वालों का, अपने तो मतलब अपने दोस्तों का नाम रोशन करें, अपना भी नाम रोशन करें। थैंक यू सर हमारे चैनल पे। थैंक यू सो ओके मच। थैंक यू।